हम आपको लगातार दिखा रहे हैं वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं। और देखे और ये एरियल व्यू जो तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं, जो अब हमने बड़ी स्क्रीन पर रख दिया है, किस तरीके से यहाँ सा तीन ट्रेनों की टक्कर। आप देखिए नीचे चार पटरियों के बाद पहले ट्रेन डिरेल होती है हावड़ा एक्सप्रेस, उसके बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है। और यहीं पर यह सवाल होता है कि जब हावड़ा एक्सप्रेस डिरेल हो चुकी थी तो क्या इसकी जानकारी कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को दी गई थी, उसे सिग्नल कैसे दे दिया गया कि वो उस रूट पर आगे बढ़े, क्योंकि वो दूसरी पटरी पर होती है। कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, टकराती है, उसके इंजन ऊपर चढ़ जाते हैं, मालगाड़ी से फिर टक्कर होती है। और आप ये देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में यहाँ पर ये जो चारों पटरियां यहाँ से गुजर रही थी वहां पर मलबा पूरा बिखरा, बोगियां आपको जहां तहां नजर आ रही होंगी। और जैसे यह हादसा हुआ सैकड़ों लोग आसपास के या फिर जिन डिब्बों से जो लोग सुरक्षित थे वो बाहर आकर उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो ये मंजर बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना भीषण था। एक और बात भी थी जिसकी चर्चा लोग लगातार सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में एंटी कोलिजन डिवाइस लगातार ट्रेनों में लगाई जा रही है। क्या वो इन ट्रेनों में लगाई गई थी? अगर हाँ तो उसके बावजूद ये कैसे हादसा हो गया? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब आना बाकी है और उन सवालों का जवाब जिम्मेदारी के साथ ढूंढा भी जा रहा है। कहीं ना कहीं वो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा राकेश। लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, जब एक ट्रेन जा रही थी हावड़ा एक्सप्रेस, जानकारी है कि सबसे पहले वो डिरेल हो जाती है, उसकी जो बोगियां हैं वो दूसरी पटरी पर चली जाती हैं, उसके बाद सामने से दूसरी ट्रेन आ रही होती है, उसकी टक्कर के बाद उसके भी डब्बे जो हैं बोगी हैं वो कहीं ना कहीं सामने जो मालगाड़ी आ रही थी उसकी पटरी में चले जाते हैं, और उसके बाद ये टक्कर इतनी ज्यादा भीषण होती हुई चली जाती है कि आपस में ये टक्कर हो जाती है और लोगों की हालत क्या हो जाती है आपके सामने। हम आपको एरियल व्यू भी दिखा रहे हैं, ऊपर से तबाही का मंजर आप देखें और डब्बों के अंदर के क्या हालात हैं। लोग सो रहे थे, लोग आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि जो अंदर की तस्वीरें कहीं पर ज्वेलरी पड़ी हुई नजर आ रही है, कहीं पर लोगों का खाने का सामान है, पानी की बॉटल वहां पर पड़ी हुई है, लोग अंदर फंस गए। गैस कटर का इस्तेमाल लोगों को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है, यानी कि बोगियों को काटा जा रहा है। लोग कह रहे हैं मदद के लिए, चश्मदीदों को कहना है कि लोग आवाज दे रहे हैं कि हाँ हमें आप बाहर निकालिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात वहां पर होंगे।